रविवार को युवा आयोग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर निशांत खरे बागली विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जिनका काटापोड़ सहित विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। लंबे चौड़े गाड़ियों के काफिले के साथ डॉक्टर निशांत खरे उंजापुरा पहुंचे, जहां सभा में शामिल हुए। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। इनके द्वारा चंद्रकेश्वर बांध विश्राम गृह पर पत्रकारों के सवाल का बेबाकी से जवाब भी दिया गया। दीपक जी जोशी, वो इस समय कांग्रेस में चले गए तो उससे बागली विधानसभा को कितना क्या नुकसान होगा? देखिए, बागली विधानसभा या कोई भी विधानसभा या प्रदेश या देश, भाजपा अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ती है। भाजपा का कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि उसे किसी भी एक व्यक्ति के आने या जाने से कोई लाभ या हानि उसकी नहीं होती है। भाजपा के कार्यकर्ता अभी भी भाजपा में ही हैं और इन कार्यकर्ताओं की इतनी पर्याप्त ताकत है कि हम जितने अंतर से बागली पिछली बार जीते थे उससे कहीं ज़्यादा अंतर से इस बार जीतेंगे। वर्तमान में कुछ कार्य नज़र आते हैं, इसमें क्या होंगे? देखिए, परिवार है भाजपा, संगठन नहीं है, वो एक परिवार है। परिवार में थोड़े बहुत मतभेद चल सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के अंदर अगर कुछ नाराजगी है तो नेतृत्व का ये काम है कि वो जाकर उनकी नाराजगी सुनकर उसे दूर करे, और नेतृत्व यह काम को बखूबी कर रहा है। हमको पूरा विश्वास है कि अगर किसी के मन में कुछ है भी सही तो वो सिर्फ, जैसे हम अपने पिता से माता से नाराज होते हैं उस प्रकार की नाराजगी है, हम उसे दूर कर लेंगे। तो भाजपा इस बार बागली विधानसभा में कोई नए चेहरे को मौका देगी? देखिए, जब उचित समय आएगा तो इस चीज़ का निर्णय लिया जाएगा। भाजपा का हर कार्यकर्ता उम्मीदवारी का दावेदारी कर सकता है, और ये तो एक बढ़ते संगठन का परिणाम है कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। ये संगठन की ताकत दिखाता है। जब जैसा आवश्यकता होगी वैसा उचित निर्णय करेंगे। आज हमारे बागली में सिटिंग विधायक हैं और वो विधायक अपना काम कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के कामों के कारण 18 साल में प्रदेश की जो स्थिति बदली है, हमारे पास पर्याप्त आधार हैं समाज के बीच जाकर ये बात रखने के लिए, और एक विजन है कि इस आज की परिस्थिति से प्रारंभ कर मध्य प्रदेश की जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना है वो हम कैसे साकार करेंगे। इन काम को लेकर पार्टी समाज के बीच जाएगी। बागली विधानसभा में इस बार जेएस भी काफ़ी मजबूती से नजर आ रही है, तो इस विषय पर क्या कहना होता है? देखिए, जेएस के विषय में हमको स्पष्टता से विषय समझना ज़रूरी है। जेएस एक सामाजिक संगठन के रूप में उसकी शुरुआत हुई होती है, तो उस दृष्टि से वो एक अच्छे संगठन के रूप में शुरू हुआ। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे विषय आदिवासी समाज को लेकर अब जो चर्चा में आ गए हैं, इसमें जेएस के बढ़ती शक्ति का एक अच्छा योगदान था। समस्या ये है कि पिछले कुछ समय में कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक हित लाभ के लिए एक सामाजिक संगठन का पूर्ण रूप से उपयोग सिर्फ राजनीतिक करना शुरू कर दिया। ये अपनी रोटी सेकने के लिए उस संगठन जो समाज के लिए खड़ा किया गया था उसे राजनीतिक संगठन में बनाने पर तुल गए। पर अब जितने जेएस से जुड़े युवा हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि हमको राजनीति प्रभावित भले ही करना है पर एक समाज का संगठन हम चला रहे हैं, और ऐसे लोगों की रोटी अब वो नहीं सेकने देंगे। भारतीय जनता आज का क्या उद्देश्य आपका इस क्षेत्र के दौरे का? देखिए, कुछ समाज के अपने कार्यक्रम हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो कार्यकर्ताओं से मिलना एक उद्देश्य है। समाज के जो कार्यक्रम तय हुए हैं, क्षेत्र को समझना, क्षेत्र के लोगों के बीच जाना, सरकार और पार्टी की जितनी जन कल्याणकारी नीतियां हैं, हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वो नीतियों का परिणाम अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचा सकें, यही प्रवास का उद्देश्य। सतवा से हरिओम तिवारी की रिपोर्ट।